नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज वो कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां भरी, आपको इसी सेगमेंट में हम बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे आपको। आपको बताएंगे कि आखिर क्या है उपचुनाव के नतीजों का हाल, साथ ही अब अजित पवार कैसे मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं आपको ये भी दिखाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि नवाब मलिक ने अब क्या कुछ कहा, देवेंद्र फडणवीस को लेकर के नवाब मलिक ने क्या बयान दिया। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने कबाड़ को बेच करके कितनी कमाई की, ये जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप की बड़ी कार्रवाई क्या रही है हालिया, ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उपचुनाव की खबरों से, जहां 14 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज काउंटिंग की गई। मध्य प्रदेश, आसाम और तेलंगाना में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहां की गोसाबा और दिनहाटा सीट पर टीएमसी के प्रत्याशी विजय रहे, जो कि पहले से संभावित भी था। तो वहीं राजस्थान की धारियावाड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जब मतगणना हुई है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा विजय रहे। बंगाल उपचुनाव में टीएमसी की बढ़त पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां हम हार जीत की बात करते हैं, लेकिन जहां चुनाव नहीं होते बल्कि पोलिंग बूथ पर कब्जा होता है, पुलिस गुंडे और राजनीतिक दल का नेक्सस एक साथ काम करता हो, वहां चुनाव नहीं होता बल्कि कब्जा होता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सीट छीनी थी। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बात करते हैं। मुश्किलें लगातार अजित पवार की बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आयकर विभाग ने अजित पवार के करीब 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। पवार की संपत्तियां महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गोवा में रिजॉर्ट भी है, जिनका संपत्तियों को जब्त किया। उनमें से एक जो है वो एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री भी है, जिसकी जो अनुमानित कीमत है वो बड़ी बताई जा रही है। ये कार्रवाई 84 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी सामने आने के बाद शुरू की गई थी, आपको याद होगा। आईटी ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार और कुछ अन्य लोगों से कथित रूप से जुड़े कम से कम 70 परिसरों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग का कहना था कि छापेमारी के दौरान लगभग 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय के सबूत मिले। छापेमारी में लगभग 2 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और लगभग 4 करोड़ रुपए के आभूषण भी जब्त किए गए थे। इससे पहले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली पूछताछ के बाद कल देर रात गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला महाराष्ट्र पुलिस दफ्तर में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्रूज ड्रग्स केस के बाद से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आज ही एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। मलिक ने फडणवीस की ओर से लगाए गए अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन के आरोपों का खंडन किया। नवाब मलिक ने कहा कि अपनी जिंदगी के 62 साल मुंबई में बिताए हैं हमें, लेकिन किसी में यह कहने की हिम्मत नहीं हुई है कि मेरे ऐसे कोई संबंध थे। नवाब मलिक ने फडणवीस पर तंज भी कसा और कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, लेकिन चैलेंज दे दिया कि अगर सबूत है तो रुकने की जरूरत क्या। इन्हीं बयानबाजियों के बीच में महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती भी जा रही है। इससे पहले सोमवार को यानी कल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो जल्दी ही नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों के सबूत पेश करेंगे। फडणवीस ने एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिनके अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं उन्हें मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का सबूत पेश करूंगा, मैं दीपावली के बीतने का सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। दिवाली से पहले एक और चीज आपको जानने जरूरी है, जहां केंद्र सरकार ने सफाई अभियान चलाया। उसके तहत मंत्रालयों और विभागों से लगभग 13 लाख से ज्यादा फाइलों के निपटारे की छटाई कर दी। अलग अलग कार्यालयों में छटाई हुई है, करीब 9 लाख वर्ग फीट जगह इससे खाली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विशेष कैंपेन के नतीजों की समीक्षा की और जानकारी दी। जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादा पुरानी और गैर जरूरी फाइलों का निपटारा किया गया। जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि इस विशेष सफाई अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी और 31 अक्टूबर तक अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के कार्यालय में ये कार्रवाई लगातार जारी रही और एक महीने में ऐसा करके भारत सरकार ने ऑफिस में करीब 9 लाख वर्ग फीट जगह खाली करा ली। इतने एरिया में
राष्ट्रपति भवन जैसी चार इमारतें आ जाती। राष्ट्रपति भवन का फ्लोर एरिया 2,00,000 वर्ग फीट का। एक कवायद भारत सरकार के लंबित मामलों को निपटाने के एक खास अभियान के तहत चलाई गई थी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में इस अभियान के नतीजों की समीक्षा की गई, जिसमें जानकारी सामने आई। इसी अभियान के तहत सरकार ने कबाड़ बेचकर तकरीबन 40 करोड़ रुपए कमाए। अब बात अगली खबर की, व्हाट्सएप की, जिसने यूजर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन यूजर्स को बैन किया जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। व्हाट्सएप की यूजर सेफ्टी रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कुल बैन किए गए अकाउंट्स की जो संख्या है वो लगभग 22,09,000 है। व्हाट्सएप ने सरकार को बताया कि सितंबर में उन्हें अकाउंट सपोर्ट, बैन अपील, अन्य सपोर्ट और प्रोडक्ट सपोर्ट और साथ ही साथ सेफ्टी कैटेगरी में 560 यूजर जनरेटेड शिकायत रिपोर्ट मिली थी। कंपनी के मुताबिक अगर कोई गैर कानूनी या अश्लील या मानहानि से जुड़ा या धमकाने का, डराने का, परेशान करने का, नफरत फैलाने वाला या नस्लीय जातीय भेदभाव करने वाला या गैर कानूनी या गलत व्यवहार करने के लिए उकसाने वाला ऐसा कोई भी कंटेंट को अगर कोई शेयर करता है तो उसका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई यूजर व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन करता है तो भी उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। ये सरकार को सफाई दी गई है व्हाट्सएप की तरफ से। तो ये आज की तमाम अहम खबरें आपके साथ हमने साझा की, जो कि आज दिनभर टीवी पर भी आपको दिखाई पड़ी होंगी, सोशल मीडिया पर आपको दिखाई गई होंगी। नटशेल में वो क्या क्या खबरें थी, उनके पीछे की क्या क्या वजह थी, खबरों में डेवलपमेंट क्या है, ये आपको हमने बताया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नवभारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।